डिप्रेशन के पेशेंट के तीन संघर्ष, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। 100 में से 10-15 लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। बिना वजह का डिप्रेशन होता है, कुछ वजह से डिप्रेशन होता है। मगर डिप्रेशन के जो पेशेंट है वो पुरुष रहो या स्त्री रहो, छोटा रहो या बड़ा रहो, उसको एक खुद के साथ में स्ट्रगल है, संघर्ष है, लड़ाई करना पड़ता है खुद के साथ में, लोगों के साथ में भी। और फिर उसमें ट्रीटमेंट लेने में बहुत देर हो जाती है। वो क्या है, देखो ये लोगों को मालूम है कि समझो कुछ घटना हुई, बहुत स्ट्रेस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, झगड़ा झंझट, डिवोर्स, कोर्ट केस हार गए, जो भी कुछ हुआ, एग्जाम में फेल हो गए और उसके वजह से डिप्रेशन आ गया, तो हो सकता है ना कारण। मगर कारण के वजह से मैं डिप्रेस हो गया ये मानने को लोग तैयार नहीं रहते। उनको लगता नहीं, कारण का तो मैं, उसको तो मैं सामना कर लूंगा, उसका संघर्ष कर लूंगा, उसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं इतना वीक नहीं हूं कि उसका सामना नहीं कर सकता, और फिर वो कुछ करते नहीं है। उनको क्या लगता है लोगों को कि नहीं मैं वीक हूं क्या, कि मैं डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवाई लेना चाहिए, मैं क्या पागल हो गया क्या, डॉक्टर के पास में जाना, डिप्रेस हो गया, दवाई लेना, तो मैं क्या पागल होगा क्या? तो पागल भी नहीं हुआ है, वीक भी नहीं है, कुछ तो नहीं, फिर दवाई क्यों लेना है भाई? इसलिए फिर लोग लेते नहीं है, फिर अपना खुद का इलाज खुद करने के लिए देखते हैं और उसमें फिर देरी हो जाती है। लोगों को लगता है कि डिप्रेशन तो होता ही रहता है, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, और इसलिए लोग फिर इलाज करते नहीं। फिर दूसरा जो लेवल है, जो प्रॉब्लम और आता है, जो एक बैरियर है, जो एक स्ट्रगल है, वो है फैमिली का। फैमिली के लोग बोलते हैं तेरे को क्या हो गया, तू क्यों ऐसा लेट के सोते रहता है, कुछ काम कर, कुछ नहीं जरा बाहर घूम के आ जा, जरा बाहर पिक्चर देख के आ जा, तू क्या पागल थोड़ी हो गया। कुछ लोग बोलते कि नहीं तू नाटक कर रहा है, तेरे को काम नहीं करने का है, मतलब इस तरह के फैमिली मेंबर भी उसको ऐसा बोलते कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है और तेरे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब तो अच्छा है, खाता है, पीता है, सोता है, बातचीत अच्छी करता है, फिर पागल कैसे गया, डॉक्टर के पास में क्यों जाने का है। फैमिली के मेंबर ये बोलते हैं अरे नेगेटिव मत सोच, तू तो ऐसा हरदम ही नेगेटिव सोचते रहता है, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि वो डिप्रेशन निकल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। जरा एक्सरसाइज चालू कर, कुछ तो भी नया हॉबी डेवलप कर, मतलब ऐसा अपने घरेलू उपचार वो करने की कोशिश करते रहते हैं और डॉक्टर के पास लेकर जाते नहीं। वो खुद भी बोलता है जाना है तो भी बोलेंगे नहीं जाने का, तो एक वो एक बहुत ही बड़ा बैरियर होता है कि वो उसको दबा देंगे, फिर वो उनकी सुनता है घर में बैठा है। तीसरा समझो भी दोनों भी ये बैरियर्स पार कर दिए और डॉक्टर के पास में गए तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास में जाता नहीं, क्योंकि मैं क्या पागल हूँ, लोग भी बोलते मैं क्या पागल हूँ, मैं तो डिप्रेस हूँ, तो जाएंगे जीपी के पास में, जनरल प्रैक्टिशनर के पास में जाएगा, और वो भी जाएंगा जनरल सिम्टम के लिए, मेरे बॉडी में दर्द होता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, तो फिर क्या करते हैं वो भूख लगने की दवा देते हैं, नींद आने की दवा दे देते हैं, बोलते हैं हाँ चलो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा अच्छा खाओ पियो, गाना गाओ, ऐसा कुछ तो भी सलाह देंगे वो, और बोलेंगे हो जाएगा ठीक, कुछ चिंता मत करो, ज़्यादा तनाव लेने का नहीं, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, स्ट्रेस मत लो, मतलब ऐसा जनरल प्रैक्टिशनर बोल देते हैं। अभी हमने इसलिए जनरल प्रैक्टिशनर का सेंसिटाइजेशन चालू किया है कि जनरल प्रैक्टिशनर को मालूम होना चाहिए कि डिप्रेशन क्या है और तुरंत एंटी डिप्रेशन को खुद चालू करे या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास में रेफर करे। उनका फैमिली मेंबर नहीं बोलते, उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं है, क्योंकि उनका इंटेंशन खराब है, मगर उनको एक स्टिग्मा लगता है कि नहीं हम हमारे फैमिली मेंबर को साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके गए, किसने देखा, तो अभी हमारे घर में लड़की की शादी होने की है या वो पेशेंट जो है उसकी शादी होने की है, फिर वो लोग क्या बोलेंगे सामने वाले के, पागल हो गया था क्या, मतलब ऐसा स्टिग्मा रहता है। और फिर नहीं उसको सर्विस में प्रॉब्लम आएगा, ऑफिस में मालूम पड़ेगा कि पागलों के डॉक्टर के पास लेके गए थे, ऐसा लोग बोलते रहते। तो आपको उनकी सुनना है जो एजुकेटेड है, जो जिन्होंने एजुकेशन लिया है, जिनको मालूम नहीं है, ऐसे बहुत सारे सलाहकार रहते हैं, वो सलाहकार जो है वो सलाह देते रहते और आपको गार करते रहते हैं। तो सलाहकार लोग गार करने के सिवा कुछ नहीं करते, उनकी सुनने का नहीं है। कुछ भी होगा तो जल्दी डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर ने बोला, साइकियाट्रिस्ट ने कि नहीं कुछ जरूरत नहीं, तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप करेंगे तो डेफिनेटली डिप्रेशन के पेशेंट का जल्दी इलाज हो जाएगा और वो जल्दी उससे बाहर आएंगे और अपना जीवन क्रम अच्छा जीना चालू करेंगे। आपको इसके बारे में कुछ भी सवाल होंगे तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरे से कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉल करो, हमारे जो असिस्टेंट्स है वो आपको मदद करेंगे, हमारा ऐप है वो आप डाउनलोड करो, और हमारा जो है मिशन विजन
कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत इसमें हमारे पार्टनर बनो। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।